क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप भी एक दिन 70 या 80 साल के हो जाओगे? तब शायद आप किसी अस्पताल के बिस्तर पे लेटे हुए आप अपनी इस पूरी जिंदगी के बारे में याद कर रहे होगे कि आपने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है। शायद अपने लाइफ के वो खुशी के पल या वो रुला देने वाला पल आपके आंखों के सामने आएगा। स्कूल का वो पहला दिन, शायद उस टाइम पे आप बहुत रोए होंगे, लेकिन ये बात आप में से बहुतों को याद भी नहीं रहेगा। स्कूल के उन दिनों को कोई कैसे भूल सकता है? प्राइमरी स्कूल के समय हम किस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। उस वक्त आपको ना तो अच्छे मार्क्स लाने का टेंशन होता था और ना तो जॉब पाने का टेंशन, बस खेल कूद और थोड़ी सी पढ़ाई से हमारी जिंदगी गुजर जाती थी। इसके बाद हम एंटर करते हैं अपने हाई स्कूल में। ये टाइम लाइन शायद हमारी जिंदगी के सबसे यादगार समय में से एक था, क्योंकि इस वक्त आपको जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वही समय था जब हम में से कुछ दोस्त क्लास या स्कूल बंक करके दूसरे दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। एंजॉयमेंट के साथ साथ हमारे लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम भी हमें इसी टाइमलाइन में देना था, और शायद हम में से कईयों को इसी स्कूल लाइफ में अपना पहला प्यार हुआ, और देखते ही देखते वक्त पता नहीं कितनी तेजी से गुजर गया और आपके सामने आया स्कूल लाइफ का वो आखिरी दिन। आपके जिंदगी के 12 साल की लंबी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर कभी टिफिन में लंच शेयर नहीं होगा, ब्रेक्स के दौरान वो खेलकूद नहीं होगा, क्लास खत्म होने के बाद की घंटी फिर कभी नहीं बजेगी, और स्कूल के आखिरी दिन में जाते जाते अपने दोस्तों से हमेशा टच में रहने के झूठे वादे करेंगे जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद आएगा आपका नया कॉलेज लाइफ, वो नई शुरुआत, वो नए दोस्त, वो नया जुनून। कोई रोक टोक नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक। इस समय में आपको स्कूल लाइफ की तरह शायद कुछ अच्छे नए दोस्त मिलेंगे और शायद कुछ बुरे दोस्त। लाइफ में मौज मस्ती भी सबसे ज्यादा इसी टाइम में होगा, लेकिन फिर भी आप स्कूल लाइफ के उन खूबसूरत लम्हे को कभी नहीं भूल पाएंगे। कॉलेज लाइफ खत्म होते ही आपको शुरू करना होगा जिंदगी का सबसे लंबा सफर, और वो है जॉब लाइफ। कॉलेज के बाद हम में से बहुत से दोस्तों को नौकरी मिल जाएगी और कुछ दोस्तों को नहीं, लेकिन जो भी हो, 23 से 24 साल के अंदर हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। और इस 9 to 5 जॉब में आपके पास पैसा तो बहुत होगा, लेकिन उन पैसों से एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। इस उम्र में आपकी तरह हर कोई पैसे के पीछे भागेगा, यानी सभी एक रैट रेस में शामिल हो जाएंगे जो पैसे की लालच में जिंदगी का असली मतलब भूल जाएंगे। और इसी बीच आपकी शादी हो जाएगी और इसके बाद आप अपनी जिंदगी एकदम नई तरह से शुरू करेंगे। तब से लेकर जिंदगी के आखिरी मोड़ तक आप एक दूसरे का सहारा बनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और इसी दौरान आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स बनने की खुशी क्या होती है। एक बाप की जिम्मेदारी और एक माँ का एहसास आपको लाइफ के इस मोमेंट में पता चलेगा। तब आप अपने बच्चे की खुशी में ही आप अपनी खुशी ढूंढ लेंगे, और हो सकता है इसी बीच आपके जिंदगी का सबसे बुरा समय आएगा जब आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाले दो इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके होंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज नहीं तो कल होना ही है, और इस सच्चाई का सामना हमें एक न एक दिन करना ही पड़ेगा। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके मम्मी पापा ज्यादा से ज्यादा दिन जीते हैं, और इसी तरह गम और खुशी के साथ समय बीतता जाएगा, और देखते ही देखते आपके रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा और आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाएगी। शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से ये 60 साल गुजर गए, और इस समय आपके बच्चे शायद आप ही की तरह कहीं जॉब कर रहे होंगे, वही लाइफ जी रहे होंगे जो आप जीते थे। शायद तब आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी का ये समय सिर्फ पैसे के पीछे ना दौड़ के थोड़ा अपने लिए वक्त निकाल कर एंजॉय कर लेना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के आखिरी मोड़ पे आपने कितना पैसा कमाया ये याद नहीं रहेगा, बल्कि आपने जिंदगी में कितनी खुशी कमाई यही रह जाएगा। और पता नहीं कब आपकी उम्र 70 से 80 साल हो जाएगी, और तब आप कहीं पे बैठ के ये सोच रहे होंगे कि क्या किया मैंने इस जिंदगी में, वही किया जो दुनिया में बाकी सब कर रहे थे, पहले स्कूल लाइफ और उसके बाद कॉलेज, फिर जॉब ढूंढने की तैयारी, फिर पैसा कमाया, और फिर एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कितना पैसा कमाया आपने इस पूरी जिंदगी में, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, क्या कीमत है इन पैसों की? जिंदगी के आखिरी मोड़ पे वो पैसा क्या आपके लिए मायने रखता है? इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो अगर थोड़ा पैसा जिंदगी में कम भी कमा लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता?
हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के आखिरी दिनों में उनका सहारा नहीं बनते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के बलिदान और उनके सेक्रीफाइस को भूल जाते हैं। जो माँ बाप आपके बुरे समय में आपका सहारा बना, उनके आखिरी दिनों में कुछ लोग अपने पेरेंट्स को सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं ताकि उनसे छुटकारा मिले। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लाइफ के जिस स्टेज से उनके पेरेंट्स आज गुजर रहे हैं, एक दिन उसे भी इस समय से गुजरना होगा। आज वो जो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसका बेटा करेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल ये वक्त जरूर बदलेगा। हो सकता है आज ये वक्त आपका हो, कल को ये वक्त किसी और का भी हो सकता है। इसीलिए हमें जिंदगी में माँ बाप की तरह उन इंसानों के एहसानों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद की हो। जिंदगी में आप कितने साल जियोगे, 70 साल, 80 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 साल? क्या होता है इन 100 साल, 1200 महीने या 3,65,000 दिनों में? देखते ही देखते ये समय गुजर जाएगा, फिर एक दिन आप, मैं, हम सब ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। कुछ ही दिन बस आपके अपने लोग आपकी याद में रोएंगे और धीरे धीरे वो भी आपको भूल जाएंगे, और शायद आपके अगले दो जनरेशंस के लोगों को आपका नाम भी ठीक से याद नहीं रहेगा। जिंदगी में हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, लोगों को तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम इंसान अपने आप में एक कमाल की चीज है। हम अपनी मर्जी से जिंदगी में ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरे प्रजाति के जानवरों के लिए नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आज हम इंसान जानवरों से भी बुरी हालत में जी रहे हैं। जिंदगी के इस रैट रेस में हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर आप एक दिन स्कूल मिस कर दे तो? क्या फर्क पड़ता है अगर आप अपने पड़ोसी से या अपने कॉलिग से थोड़ा पैसा कम कमाए तो? जिंदगी भी बड़ी कमाल की चीज है। बचपन में आपके पास समय होता था लेकिन पैसा नहीं, जॉब करने के टाइम पे आपके पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता, और जिंदगी के आखिरी मोड़ पे आपके पास पैसा भी होता है और समय भी, लेकिन बचपन के दिनों की तरह जिंदगी को एंजॉय करने के लिए ताकत नहीं होती है। इसीलिए जिंदगी को कुछ इस तरीके से जियो कि लाइफ के आखिरी मोड़ पे ये अफसोस ना करना पड़े कि काश फिर से एक बार बचपन के दिनों को एंजॉय करने का मौका मिला होता तो मजा आ जाता। मुझे पता है वीडियो शायद आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन जिंदगी की सच्चाई यही है। आज के जमाने में दुनिया के ज्यादातर लोग इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और चले जा रहे हैं। जी लो अपनी जिंदगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि लाइफ बहुत ही बोरिंग है, बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह। लेकिन इसे कलरफुल बनाने का मौका आपके पास भी है और समय भी, तो इंतजार किस बात का? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।